हेयर तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो इसके ऊपर कितने सारे कांटे होते हैं, इन कांटों के बीच में केयर लगे हुए होते हैं। आप इस डाली को आराम से देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे तीखे तीखे कांटे होते हैं। ये कांटे चुभते हैं ना तो हाथों पे थोड़ी जलन भी होती है। धूप तेज थी इसलिए मैं है ना यहाँ पे छाया में बैठ कर के तोड़ना शुरू कर देती हूँ, और ये छाया में छोटी छोटी डालियाँ मेरे जेठानी जी मेरे को तोड़ के दे रहे थे और ये छाया में छोटी छोटी डालियां मेरे जेठानी जी मेरे को तोड़ के दे रहे थे। तो मैं यह छाया में बैठ के एक एक करके केर तोड़ना शुरू किया। मेरे ताऊ जी क्या करते थे कि है ना केर की सब्जी खाते, केर खाते ना तो शरीर निरोगा रहता है, इसलिए केर खाने चाहिए। कांटों से बचने की कोशिश भी कर रही हूँ और केर की सब्जी अच्छी भी लगती है। केर से खूब सारे व्यंजन बनते हैं, अचार बनते हैं, काजू केर की सब्जी बनती है। केर में दही की खट्टाई दे के बनाते हैं ना तो भी बहुत अच्छा बनता है। क्या आपको भी केर के व्यंजन पसंद है कमेंट करके बताना। फाइनली देखने कितने केर इकट्ठे हो गए। ओहो क्या बात है, इतने सारे केर इकट्ठे हो गए, सब आ जाओ।